हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचिट नीटिंग चैनल की तरफ से आज आपके लिए एक 6 मंथ से 1.5 साल के बेबी के लिए एक बहुत ही सुंदर स्वेटर लेकर आई हूँ। देखिए, 3 कलर में मैंने इसको बनाया है। देखिए, ये गले से स्टार्ट किया है मैंने इसको। देखिए, इस तरह से इसका आगे और पीछे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। इसको मैंने गले से स्टार्ट किया है। देखिए, इसको मैंने फ्रंट सारा ओपन रखा है। अगर आप फ्रंट ओपन नहीं रखना चाहते तो आप सिर्फ इतना ही रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। किसी और वीडियो के अंदर कोई और डिज़ाइन बनाऊंगी तो मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि आप इतना रख के कैसे बंद कर सकते हैं इसको। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाया कि हमने कैसे बनाना है, पूरा डिज़ाइन भी बनाना सिखाया है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर बनकर आई है। इसको आप सभी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर बनकर आई है। चलिए, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने 3 प्लाई की जो वूल आती है वो वाली ली है, वर्धमान की और उसवाल दोनों की आती हैं। देखिए, मैं कोई किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यही कंपनी की वूल यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने बताया है आपको। तो ये थोड़ी सी बढ़िया होती है, तो इसलिए आप को जो सूट लगे आप वो वूल ले लीजिए। देखिए, 10 नंबर की नीडल मैंने यूज़ करी है। इसके लिए मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ की है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप बड़ी सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बड़ी वाली सिलाइयाँ आती हैं। चलिए, देखिए, बनाने से पहले अगर किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। ये आपका अपना खुद का चैनल है, आप जैसे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर ये बनकर आई है। इसको बड़े बच्चों के लिए, जैसे भी आप जिस साइज़ के लिए भी आप चाहते हैं उसी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। चलिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर 79 स्टिचेस डाली हैं। 79 स्टिचेस डालने के बाद देखिए, इसकी हमने 10 सिलाइयाँ बना ली उल्टी उल्टी, 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों से। देखिए, हमारा इस तरह से 5 लाइन बनकर आ जाती हैं। देखिए, ये बनाना आसान है इसलिए मैंने बनाकर आपको दिखा दिया है। देखिए, जब 2 लाइनें बन जाएगी, जब तीसरी लाइन हमारी आएगी, 5वीं सिलाई, तब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। ये भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ कि कैसे बनाते हैं। देखिए, 79 स्टिचेस हैं, 10 इसके अंदर मैंने। देखिए, इसके लिए अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप वो ले लें, अगर नहीं तो आप जो बड़ी सिलाई आती है वो ले सकती हैं। देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, 7 फंदे हम इसके फट्टी के रखेंगे। 7 फंदे फट्टी के रखने के बाद देखिए, अब डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी मैं। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 7 फंदे फट्टी के रखे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने 1 2 और 3, देखिए 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करूंगी, इस फंदे की दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे, 1 बन गई, धागे को अपनी तरफ करूंगी, फिर से 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 और 3। देखिए, ये 7 फंदों से हमारी लीफ स्टार्ट हो गई है। अब धागे को आगे करके एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी, फिर से हमने नई लीफ के लिए 1 2 3 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, चौथे फंदे पे हमने जाली बनानी है दोनों साइडों पे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, चौथे फंदे पे हमने जाली बनानी है, फिर 3 फंदे आगे बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए, 3 फंदे बना लिए, और फिर से एक उल्टा फंदा बनाना है,
नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करनी है, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फोर्थ जो हमारा फंदा है फोर्थ स्टिच की दोनों साइडों पे हमने जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे, फिर फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए फिर उसके बाद फिर हमने उल्टा फंदा बनाने के बाद तीन फंदे सीधे, चौथे फंदे पे हमने जाली बनानी है दोनों तरफ, फिर तीन फंदे सीधे, फिर उल्टा फंदा, एक फंदा उल्टा, फिर से हमने तीन फंदे सीधे, चौथे फंदे की दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे और तीन फंदे आगे सीधे बनाएंगे। सात फंदे बनाने के बाद हमने आठवां फंदा उल्टा बनाना होता है, फिर से दोबारा एक दो तीन, चौथे फंदे की दोनों तरफ जाली, पांचवा फंदा सीधा, छठा फंदा सीधा और सातवां भी सीधा, आठवां फंदा हमने उल्टा, फिर से तीन फंदे सीधे, चौथे पे जाली, फिर तीन सीधे, चौथा फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, सॉरी देखिए बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बना लिया। देखिए अब हमारे पास सात फंदे फटी हुए बचे हैं, इनको भी हमने उल्टा बना लेना है। इस तरह से हमारी सारी सी लीफ हमने रख ली हैं। अब उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, बैक साइड पे हमने देखिए पहला फंदा हर बार हमने बिना बुने उतारेंगे, उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे सारी। चलिए हम उल्टी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। देखिए अब हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है, स्टार्टिंग में पहला फंदा बिना बुने, सात फंदे फट्टी के, इसको भी साथ में काउंट करेंगे, चार पाँच छः और सात। देखिए एक जो हमने उल्टा फंदा लिया है सभी के अंदर वो बनाना है, आठ फंदे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये हमारे सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, पहले तीन थे एक जाली से बढ़ गया हमारा, चार हो गए। देखिए अब इसको हमने फिर से जाली बनानी है, ये सेंटर वाले फंदे को दोनों तरफ से, अब हमारे पास तीन से चार हो गए। देखिए तीन से चार हो गए, उसके बाद जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हमने उल्टा ही बनाना है। देखिए फिर से नेक्स्ट लीफ पे दो तीन चार, देखिए चार हो गए, धागे को आगे करेंगे सेंटर के फंदे पे, दोनों तरफ जाली बनाएंगे और आगे के चार फंदे प्लेन बना लेंगे। फिर उल्टा फंदा आ गया, उल्टे को हमने उल्टा ही बना लेना है। देखिए इस तरह से हमारी जो लीफ स्टार्ट हो गई है, देखिए हमारे पास टोटल जाली काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ लीफ हमारी स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। देखिए इस तरह से हमने करते हुए इसके अंदर हमने पांच जाली बना ली है। देखिए अब हमारी दूसरी जाली बन रही है, बीच में जो हमारे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे, जो सेंटर का फंदा है उसके दोनों तरफ जाली बनानी है, जो ये उल्टा फंदा है उल्टे के ऊपर उल्टा, इस तरह करते हुए हम पांच जाली बना लेंगे इसकी। ये हमारी दूसरी जाली स्टार्ट हो रही है, देखिए सेंटर के फंदे के दोनों तरफ धागे को अपनी तरफ करेंगे तो जाली बन जाती है। देखिए इस तरह से आप पांच जाली बना लें, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है।
देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखिए 6 जाली बना ली है। मैंने आपको 5 बताया था, 6 जाली बना लीजिए। देखिए 6 जाली बनाने के बाद, देखिए ये हमारा यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एक बटन होल बनाया था। देखिए 2, 4, 6, 8 8 लाइनों के बाद फिर से आप एक बटन होल बना लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है, 2, 3, 4 4 फंदे बनाने के बाद देखिए इसको देखिए इस तरह से बल दे लेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि बटन हमारा ज़्यादा टाइट ना बने। इस तरह से देखिए 2 का 1 बनाएंगे और ये बल भी आ गया, हमारा फंदा बढ़ गया। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे ये हमारी लीफ डिज़ाइन को हमने बढ़ाया था वैसे ही इसको घटाएंगे। देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है, हमने यहाँ पे जो ये फंदे थे बढ़ा रहे थे, हम इसको यहाँ पे इसको बंद करना है, लेकिन हमने फंदों को कम नहीं करना, इसलिए हमने जो एक फंदा उल्टा बनाया था देखिए इसकी एक साइड बढ़ेगा। इसको पहले हम बल दे लेंगे इस तरह से, फिर देखिए बल देने के बाद इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। देखिए जो फंदा हमारा यहाँ पे घटा और यहाँ पे बढ़ गया। अब बीच में जो भी हमारे फंदे हैं सभी हमने सीधे बनाने हैं। अब हमने यहाँ पे जाली बनानी बंद कर देनी है। देखिए इस लीफ को हमने बंद करना है। अब देखिए लास्ट के, सॉरी ये लास्ट वाले 2 रख लेंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से करना है सीधा 2 का 1। जो हमारा ये उल्टा फंदा है देखिए इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। देखिए धागा इस तरफ ही रखेंगे और हम उल्टा बनाएंगे तो देखिए ये अपने आप ही ये हमारी जाली बन गई है। इस साइड हमारा धागा इधर ही है क्योंकि हमने सीधा बनाना है, पर इस फंदे को जो इस साइड वाला फंदा होता है इसको हमने पहले वाले फंदे को पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारी जाली बन गई और सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमने बंद कर देनी है। सॉरी लास्ट के जो दो फंदे होते हैं इस लीफ के दोनों तरफ हमने एक फंदा कम करना है। देखिए इस साइड हमने कुछ नहीं करना, इस तरह से 2 का 1 करना है नीचे से सिलाई को डालकर। देखिए अभी हमारा उल्टा फंदा आ गया है, इसको हमने उल्टा बनाने इसलिए इस धागे को हम इस साइड ही रखेंगे और उल्टा बनाएंगे। देखिए ये धागा हमारा एक बल भी आ गया, हमारा फंदा बढ़ गया और उल्टा फंदा भी हमने बना लिया। इस साइड बल देना है तो हम धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। देखिए इस फंदे को हमने पलटना है इस तरह से और 2 का 1 करेंगे और हमारा इस साइड से भी जाली बन गई है। अब हमने देखिए इस तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई उल्टी करनी है और अगली सिलाई फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये लास्ट पे भी हमने जब 2 का 1 बनाया तो एक उल्टा फंदा, 7 फंदे हमारे फट्टी के हैं। देखिए इस पे भी हमने जाली बनानी है क्योंकि हमारा फंदा यहाँ पे कम हुआ है तो उसको हमने पूरा करना है, यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे सिर्फ एक बार बढ़ाना है, इधर नहीं बढ़ाना क्योंकि हमारा इधर कोई फंदा कम नहीं हुआ। दोनों साइडों पे हमने उल्टे फंदे के एक साइड ही बढ़ाना है, फट्टी के फंदे उसी तरह बनाएंगे हम और उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बना लेनी है। देखिए अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं, अभी हमारे यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जाली बनाई थी
उल्टे फंदे किए आके। अब हमने फिर से जाली बनाने, देखिए उसको इस तरह से बल दे लें और इस सीधे फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे और दो का एक करेंगे। बाकी सारे फंदे हम सीधे बनाते जाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले एक फंदा उल्टा था, देखिए ये आ रहा था, फिर मैंने दोनों साइडों पे जाली बनाई, तीन बन गई। सारे फंदे उल्टे बनाते जाने हैं और जो ये हमारी लीफ है ये बंद हो जाएगी। देखिए इसके उल्टे फंदे के लिए हमने इस तरह से बल दे लेंगे और तीनों फंदे ये उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इधर हमने सीधा बनाना है इसलिए हमें बल देने की ज़रूरत नहीं, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इसको पलटेंगे और इस तरह से दो का एक करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे हमारे दोनों साइडों पे कम होते जाएंगे, ये हमारी इस तरह से आ जाएगी शेप और यहाँ पे उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब 3 से 5, 7, 9 इस तरह होते जाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। जब तक हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे नहीं रह जाते तब तक आप इसको इसी तरह बनाते जाएँ या दोनों साइडों पे घटाते जाएं और उल्टे जो यहाँ पे उल्टे फंदे या बढ़ते जाएंगे दोनों साइडों से जाली, और यहाँ पे एक जाली ही बनेगी इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे एक फंदा ही कम होता है तो एक ही फंदा बढ़ेगा। इस तरह से आप जहाँ जब तक हमारे यहाँ से एंटर में 3 फंदे नहीं रहते आप तब तक इसको इसी तरह बनाते जाएँ। देखिए यहाँ पे अब 3 आ गए हैं। देखिए इसको क्या करना है, पहले फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे, फिर देखिए यहाँ पे हमने इसी तरह से धागा रखना है और इसको सीधा बनाना है हमारा। यहाँ पे एक जाली भी बन जाएगी और 3 का 1 भी हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, चाहे आप इस साइड रखें और इसको उल्टा बना लें तब भी हमारी जाली बन जाएगी। ये सारे उल्टी और उल्टी सिलाई उल्टी, उसके बाद में बताती हूँ कि हमने क्या करना है आगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आ गया है। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए अब हमने क्या करना है, इसके देखिए यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 175 फंदे हैं। 175 को हमने 220 फंदे करने हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने बढ़ाने हैं फंदे। देखिए हम कैसे बनाएंगे, अब हमने उल्टी सिलाई बनानी है। आप 45 फंदे हमने बढ़ाने हैं, अभी 20 फंदे हम एक इसे इसी तरह से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टी सिलाई में हम 45 फंदे बढ़ाने हैं हमने, एक सिलाई में हम 22 फंदे बढ़ा देंगे, दूसरी में 23 बढ़ा देंगे। देखिए एक उल्टी सिलाई में हम कहीं कहीं बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले जब हमारे पास यहाँ पे 8 लाइन हो जाए तो हमने यहाँ पे बटन होल का खास कर ध्यान रखना है कि हमारे ये छूट ना जाए, इसको हम साथ साथ बनाते जाएंगे। देखिए बटन होल बनाने के बाद देखिए 5 फंदों के बाद हम एक एक फंदा बढ़ा देंगे। अब देखिए कहीं भी आइडिया से 5-6 फंदों के बाद इसको बढ़ाते जाएं इस तरह से। पांच फंदे के बाद 6th फंदा जो आता है
उस पे हम बढ़ाएंगे। देखिए इसे उल्टा बनाएंगे और इसी को यहाँ से नीचे से उठाकर इस तरह हम बनाएंगे। सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाते हुए जाना है। उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, फिर जो तीसरी सिलाई आएगी 23 फंदे हम उसके अंदर बढ़ा देंगे। 22 फंदे हम इस रो में बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई हम उल्टी डालेंगे, फिर थर्ड सिलाई में भी उल्टी बनाना है उसमें बढ़ा देंगे, फिर फोर्थ सिलाई डालेंगे। चार सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाते हुए इस तरह से हमने 45 फंदे बढ़ा लेने हैं। देखिए हर पांच फंदों के बाद हर 6 फंदे को हम बढ़ाएंगे ताकि हमारे एक जैसे फंदे बढ़ जाएं। और फिर ये सिलाई बनाने के बाद हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने फंदे कम हैं, तो फिर उसके बाद उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और थर्ड सिलाई के अंदर फिर उन फंदों को हम डिवाइड करके बढ़ा लेंगे ताकि हमारे एक जैसे फंदे बढ़े। ऐसे नहीं कि कहीं यहाँ पे बढ़ जाए कोई यहाँ पे बढ़ जाए, तो फिर हमारे डिज़ाइन की जो सेटिंग है वह ठीक से नहीं आएगी। इस सिलाई में आप हर 6 फंदे को बढ़ा लें। देखिए मेरे इस सिलाई में 201 फंदे हो गए हैं। अब 19 फंदे मैंने इसके अंदर और बढ़ाने हैं। देखिए मैं 10-10 फंदों के बाद अब इसको बढ़ा लूँगी। आप अपने फंदे काउंट कर लीजिए कितने हुए हैं, तो आप उस हिसाब से आप बना लें। इस तरह से एक उल्टी सिलाई में मैंने बढ़ाए, उल्टी सिलाई उल्टी डाली, अब तीसरी सिलाई उल्टी है, इसके अंदर मैं अपने 19 फंदे और बढ़ा लूँगी, फिर उल्टी सिलाई फिर से डालूँगी। मैं दो उल्टी उल्टी सिलाई डालते हूँ 19 फंदे बढ़ाने के बाद, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको डिवाइड कैसे करना है। ये फ्रंट के जो हैं फंदे, इसको हम देखिए बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा उल्टा बनाते हुए ही हम करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 38 फंदे हमने जो आगे के पार्ट के लिए रखेंगे। देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 20 जोड़ 40 फंदे हमने बाजू के लिए रखने हैं। इसको यहीं से एक बार बनाते हुए ले जाएंगे। इसको हमने पहले यहाँ से बढ़ाना है एक फंदा। देखिए चाहे तो आप यहाँ पे कोई एक दूसरे कलर के धागे से एक मार्कर लगा लें। देखिए इस तरह से दूसरे कलर का एक मार्कर बनाकर आप लगा लें। देखिए अब हमने देखिए इसको यहाँ से एक फंदा बढ़ाना है। सबसे पहले हम यहाँ से ही उठाएंगे इसको, एक फंदा बढ़ाने के लिए यहाँ से इसको इस तरह से पलट के एक फंदा हमने बढ़ा लिया। इसको काउंट नहीं करेंगे अभी, आगे काउंट करेंगे 40 फंदे। 2, 3, 4, 5 40 फंदे बना लेंगे।
देखिए हमने यहाँ से 40 फंदे बना लेने हैं। देखिए काउंट कर लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया था, एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे यहाँ से ही उठाकर। टोटल हमारे पास 42 फंदे हो गए हैं। एक इधर से बढ़ाया, एक इधर से बढ़ाया। देखिए अब हम इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए अब हम इसको ये वाला फंदा बनाकर एक फंदा हम इसको यहाँ पे और बढ़ाएंगे। पहले वाले फंदे को तो हम बना लेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम बढ़ाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा हम और बढ़ा देंगे और उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसकी बाजू बनानी है, क्योंकि बाजू बनाने के बाद, दोनों बाजू बनाने के बाद हम इसके दोनों आगे के पार्ट और पीछे बैक का एक साथ इकट्ठा बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हमें बाजू बनानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे। यहाँ तक हमने मार्कर लगाया है, वहीं तक ही हमने बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारा मार्कर है, इस फंदे को उससे पहले वाले फंदे को हमने एक बार और उधर भी बढ़ाया था, इधर भी बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से बना देंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए ये फंदे हमने इसको यहीं पे रखे रखना है, चाहे तो आप यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लें, वैसे तो ये अपने आप दिखाई देने लग जाता है, ऊपर हो जाता है। देखिए अब हमने क्या करना है, दो फंदे यहाँ पे बनाने हैं और इसको हम इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से दो फंदे बनाने के बाद देखिए हमने उल्टी सिलाई फिर से एक और उल्टी सिलाई बनानी है, ये दो फंदे बनाने के बाद उल्टी सिलाई हम उल्टी ही डालेंगे, उसके बाद हम इसका डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे कि दो फंदे हम इस साइड भी बढ़ाएंगे। अब हम दो फंदे यहाँ पे भी बढ़ाएंगे।
देखिए दो फंदे डालने के बाद इस तरह से उल्टी सिलाई हम डालकर ले जाएंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ पे हमने तीन फंदे बढ़ा लिए हैं। देखिए तीन फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं और तीन फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं और चार फंदे हमारे पास और कम है, वो भी बीच में हम बढ़ा लेंगे। देखिए हमारे पास पहले 24 जोड़ थे, तीन और तीन छः बढ़ने से हमारे पास छः, तीन जोड़ और बढ़ जाएंगे 24 और तीन 27, दो हम जोड़ और बढ़ा लेंगे 29 जोड़ हो जाएंगे हमारे पास टोटल। देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखिए पहले हमने 20 जोड़ रखे थे, 20 जोड़ में एक एक जोड़ हमने यहाँ पे बढ़ाया था। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जोड़ हैं और एक फंदा है और तीन हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 25, 26 और 27 जोड़ हो जाएंगे हमारे पास, दो जोड़ हम बीच में बढ़ाएंगे तो हमारे पास 29 जोड़ हो जाएंगे टोटल बाजू के लिए। देखिए अब हमने क्या करना है, तीन फंदे हमने यहाँ पे स्किन कलर से बना लिए हैं कि इसको इस कलर से हमने बनाना है। दो फंदे हम सीधे बनाएंगे इस मजेंटा से, ये दो फंदे उतारेंगे। देखिए 14 फंदों का डिज़ाइन है, फिर से हमने दो फंदे उतारे इस तरह से, दो मजेंटा के दो उतारे, दो मजेंटा के फिर दो उतारे। अब हमने 8 फंदे, ये स्किन वाले कलर को हमने यहीं पे छोड़ देना है, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं पे एक हम बढ़ा लेंगे, चार फंदे हमने बढ़ाने हैं। जब हमारे पास यहाँ पे 8 फंदे बनाने, वहाँ पे बढ़ाएंगे, 8 फंदे बढ़ा लिए। अब हमने देखिए दो फंदे उतारने हैं और दो हमने मजेंटा से बनाने हैं, फिर से दो हमने उतारने हैं। देखिए यहाँ पे हमने 8 बनाने हैं, दो मजेंटा के दो स्किन, दो मजेंटा के दो स्किन, फिर 8 फंदे हमने मजेंटा के बनाने हैं, इसके अंदर एक बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे, दो स्किन, दो मजेंटा के और दो स्किन। उसके बाद फिर हमने इस तरह से 14 फंदों को रिपीट करना है, 3, 4 एक फंदे को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 5, 6, 7, 8। देखिए अब हमने फिर से यहाँ पे दो फंदे छोड़ने हैं, दो स्किन छोड़ देंगे। अब हमने 8 फंदे फिर से बनाने हैं, 1, 2, 3। देखिए इसको यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने बीच में 4 फंदे बढ़ाने थे, 6, 7 और 8। देखिए अब हमने दो फंदे उतार लिए स्किन के और दो मजेंटा के बना लिए, दो स्किन के उतारेंगे। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे हैं, तीन फंदे हमने और यहाँ पे डालने हैं, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाना है, 4 फंदे हमारे 4, 8, 8 के यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एक फंदा तो हम इसको यहीं पे बढ़ा लेंगे इस तरह से और तीन फंदे हम इसी कलर से यहाँ पे डाल लेंगे इस तरह से, 2 और 3। देखिए अब हम इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए अब हमने सीधा ही बनाना है, उल्टी साइड से भी हम सीधा ही बनाएंगे। ये 8 फंदे हमने सीधे ही बना लेने हैं,
कि इस तरह से। देखिए अब हमारे पास स्किन आ गई, इसको मैंने अपनी तरफ धागे को करना है और ये दोनों हम उतार लेंगे धागे को, फिर उस साइड ले जाकर ये दोनों फंदे हमने बनाने हैं। उल्टी साइड से भी हमने सीधा सीधा ही बनाना है, बस धागे को आगे पीछे करना है ये स्किन कलर के जो दो फंदे हैं इसको उतारने के लिए। फिर उस साइड करेंगे, सारे फंदे बना लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये दोनों फंदे उतारने हैं, उस साइड करेंगे दोनों फंदे बनाकर, जैसे हम उल्टा बनाते फंदे वैसे उतारने हैं ताकि ये फंदे हमारे सीधे ही रहें। अब देखिए फिर से हमने ये बनाने हैं आठ फंदे, बस धागे को आगे पीछे करना है जब हमने स्किन फंदे बनाने हैं उतारने हैं। इसको उल्टा जैसे बनाते वैसे उतारेंगे। इस तरह से ये हमारे पास बाजू के 29 जोड़ बन गए हैं। देखिए अब हम इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अब हमने स्किन कलर से देखिए पहले इसको बनाना है, कि अब हमने क्या करना है, जो हमारे ये सेंटर वाले दो मजंटा धागे हैं देखिए इसको क्या करेंगे, पीछे से हम इसको पीछे से लाना है, स्किन को इधर लाएंगे मजेंटा वाले को पीछे से लाएंगे और इसको हमने ये स्किन कलर से ही बनाना है। फिर ये दोनों स्किन कलर के बनाएंगे, अब हमने क्या करना है देखिए ये दोनों फंदे हम इकट्ठे इस तरह से सिलाई पर उठा के इसको निकालेंगे और पीछे से इस सिलाई पर ले लेंगे और फिर इसको इस तरह से रखेंगे। अब हमने देखिए फिर से इसको बनाना है इस तरह से। अब इसको जितने भी फंदे हैं हमारे पास सीधा सीधा हमने बना लेना है। दोबारा से बताऊंगी, देखिए जो ये मजंटा सेंटर वाले फंदे हैं मजंटा, इसको हमने देखिए सबसे पहले ये दो फंदे हम इस सिलाई पे ले लेंगे और इसको निकाल देंगे। चाहे तो आप इस सिलाई से देखिए इसको पहले ले लेंगे और इस दोनों फंदों को हमने इसके अंदर डाल देना है। इस फंदे को बनाएंगे पहले, फिर ये दोनों वाले फंदे। अब हमने ये दोनों फंदे इकट्ठे उठा लेंगे सिलाई से और इसको पीछे से ले लेंगे इस तरह से, और फिर ये दोनों उतार कर पहले हम इसको बनाएंगे और फिर इसको
देखिए इस तरह से हमने डिज़ाइन बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये तीनों फंदे हम उतार देंगे, दो फंदे इस सिलाई में लेंगे और ये मजेंटा वाला इस सिलाई में लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। पहले इसको बनाएंगे, सारा सीधा सीधा ही हमने बनाना है, कुछ नहीं करना। इस सिलाई से दो फंदे हम उठा लेंगे और इसको निकाल कर पीछे से देखिए इस तरह से ले लेंगे। फिर ये दो फंदे सिलाई पर लेकर हमने इस तरह बनाना है। इस तरह से अब हमने ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तीनों फंदे उतारेंगे, इसको यहीं से पकड़ के रखना कि फंदा हमारा नीचे ना जाए। इधर से बिल्कुल ही आसान है, दोनों फंदे इस सिलाई से लेंगे और इसको निकाल कर यहाँ पे पीछे से कि चाहे आप इसके अलग से सिलाई लगा लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेरा फालतू का धागा आ गया, मैं इसको निकाल देती हूँ। देखिए मैंने इसके अलग से सिलाई लगा ली है 10 नंबर। अब देखिए इसकी उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है, स्किन कलर की हमने पूरी सिलाई उल्टी ही निकालेंगे। देखिए हमने अब एक कलर और लगा लेना है। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही हमने करना है। अब इस कलर से बनाएंगे हम, दो ग्रीन के दो स्किन छोड़ेंगे फिर से। देखिए जब हम दो स्किन कलर छोड़ते हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिलाई पे कलर लेना है ताकि ये हमारा खींचे ना। देखिए इस तरह से दो ग्रीन, अब दो स्किन के हम छोड़ देंगे और अब 8 वैसे ही हमने जैसे मजेंटा के बनाए थे उसी तरह से देखिए हमने इसको बना लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसी डिज़ाइन को सेम रिपीट करना है। पहले हमने मजेंटा का बनाया था, अब ग्रीन का बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर एक बार मजेंटा का फिर से बनाएंगे, 3 बार, 2 बार मजेंटा कलर से, 1 बार ग्रीन कलर से सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करना है। देखिए मैंने ये बाजू आपको बनानी बताई थी, यहाँ से एक डिज़ाइन बनाया था मैंने, ये पूरी बाजू बना कर रख ली है। देखिए हमने इसके ऊपर डिज़ाइन को कैसे पलटना है वो मैं आपको इस बाजू के ऊपर सिखाऊंगी। देखिए ये बाजू बनाने के बाद हमने जितने फंदे यहाँ से छोड़े थे इस साइड के फ्रंट साइड के, उतने फंदे हमने फ्रंट साइड के छोड़ देने हैं। जितने फंदे हमने बाजू के लिए थे उतने फंदे हमने फ्रंट साइड के छोड़कर उतने फंदे हमने इधर से बाजू के ले लेने हैं और बाकी के जो हमारे पास फंदे हैं उसको हमने बैक पीस के लिए रख लेना है। देखिए उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे बढ़ाए थे उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ा लेने हैं,
सेम उसी तरह करते हुए हमने इस डिज़ाइन को डालना है। बस मैं डिज़ाइन आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे कैसे पलटना है। देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे बनेगा और ये वाला डिज़ाइन अब यहाँ पे बनेगा। देखिए थोड़ा सा एक फंदे का फर्क है सिर्फ, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये प्लेन फंदे बनाने हैं। देखिए वैसे तो हम यहाँ पे आठ आठ फंदे बनाते हैं, ये देखिए हमने इसको कलर भी चेंज करना है। देखिए हमारे पास यह मैजेंटा कलर है तो हमने यहाँ से ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है। सीधा सीधा बनाते हुए हमने तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, देखिए हमने नौ फंदे बना लेने हैं यहाँ पे प्लेन जब हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। उसके बाद ये दो हमने स्किन के उतारे, फिर से हमने दो ग्रीन के बनाए, दो स्किन के उतारे और उसके बाद हमने देखिए एक दो आठ आठ फंदे बनाएंगे जैसे हमने नीचे से यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट किया था। सिर्फ जब हमने यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट करना है ये वाला इस साइड, तो हमने नौ फंदे बनाने हैं क्योंकि हम जब इस फंदे को इस साइड करती हैं तो हमारे पास एक फंदा इस साइड ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नौ फंदे बनाने हैं। देखिए नौ आठ फंदे, फिर दो फंदे हम स्किन के उतारेंगे, सेंटर के दो ग्रीन बनाएंगे और फिर दो स्किन के उतारेंगे। छह फंदे हमारे यहाँ पे हो गए और आठ फंदे हमारे यहाँ पे हो गए, चौदह फंदों का हमारा डिज़ाइन होता है ये। देखिए दो स्किन के उतारे, दो ग्रीन बनाएंगे, फिर दो स्किन उतारेंगे, फिर आठ फंदे, अब हमारे पास देखिए इधर छह फंदे बच जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सात फंदे बचेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए दो फंदे स्किन, दो फंदे हमने ग्रीन बनाने हैं, दो स्किन और जो एक फंदा था हमारा वो वहाँ पे हमने इस तरह से सिंगल बनाना है। यहाँ पे भी हमारे पास आठ थे, अब यहाँ पे हमारे सात रह गए क्योंकि ये वाला फंदा एक हमने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एक फंदा दोनों साइडों पे चला जाता है। इस तरह से हमने पलटना है और इस डिज़ाइन को कम्प्लीट करना है। जो ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बन रहा था अब यहाँ पर बनेगा, इस डिज़ाइन को पूरा कर ले पहले, फिर उसके बाद देखिए मैंने बाजू के लिए एक दो तीन चार पाँच छः छः डिज़ाइन डाले हैं, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए पहले हम इसके यहाँ पे छः डिज़ाइन पूरे कर लेते हैं दूसरी बाजू के, फिर मैं आपको ये बॉर्डर बनाना बताती हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है ये बताऊँगी। देखिए इस तरह से ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः डिज़ाइन कम्प्लीट हो गए हैं। देखिए अब हमने इस तरह से ये बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये बॉर्डर बनाने के लिए हमने देखिए एक फंदे को एक बनाना है, फिर दो का एक करना है, थोड़े से फंदे हम कम करेंगे, एक फंदे को एक बार बनाना है, दूसरे को दो बार, दो का एक करना है। देखिए इस तरह से सॉरी दो का एक करेंगे, एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। फिर हम इसके फंदे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने फंदे हैं। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से करनी है, उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। देखिए अब हमने
उल्टी सिलाई बना ली है। देखिए हमने इसके टोटल 36 फंदे रखने हैं। हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36। देखिए हमारे पास 3 फंदे ज़्यादा हैं। देखिए 3 फंदों को हमने इसी लाइन में कम कर देना है, एक एक साइडों पे कर देंगे और एक सेंटर पे। 2-3 फंदे बनाने के बाद देखिए एक फंदा हम यहाँ पे कम कर देंगे और एक यहाँ हम थोड़ा सा सेंटर में जाके 18 जोड़ हमारे पास रह जाएंगे, 36 फंदे। एक यहाँ पे हम कम कर देंगे, एक 3-4 फंदे जब हमारे पास यहाँ रह जाएंगे तब हम कम कर देंगे। एक फंदा हम यहाँ पे कम कर देंगे, देखिए इस तरह से हमारी ये दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। उल्टी सिलाई बनाएंगे तो 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4 लाइनें कंप्लीट करके पांचवी लाइन में जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरह से हमने इसकी बाजू कंप्लीट कर दी है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है कि यहाँ से फ्रंट का हम फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद बाजू के उठाने हैं। फिर हम देखिए इस साइड से उतने ही फंदे गिनकर सिलाई में रख लेंगे, फिर बाजू के निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे फंदे हम इसको सेंटर में निकाल के रख देंगे नीडल में एक। देखिए अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप अलग अलग निकाल लें। तो देखिए अब हमने यहाँ तक बना लिया था, अब हमारे यहाँ फंदे बनाने रहते हैं। देखिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से ही बना कर ले जाएंगे, जैसे उल्टा बना रहे थे हमने बनाना स्टार्ट किया था। देखिए पूरी सिलाई हम इसी तरह से इसको बना कर ले जाएंगे। और फिर उल्टी साइड से भी हम यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए उल्टी साइड भी हम इतने फंदों को बना लाए हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारे बैक पार्ट के जो फंदे हैं अब सारे तीनों पीस को हमने एक इकट्ठा जोड़ना है, सारे इकट्ठा बनाएंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 6 फंदे बनाने हैं। देखिए जैसे हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह करके ये वाले फंदे डालने हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे डालकर देखिए अब हमने आगे जितने फंदे हमने ये सारे उल्टे बना लेने हैं। देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे ये पूरी सिलाई उल्टी कर लेंगे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है, सारा उल्टा बनाते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी ये उल्टी साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। इस तरह से हमारी बाजू बन गई है। यहाँ पे भी हमने 6 फंदे बना लेने हैं कि इसको इस तरह से घुमा के 3, 4, 5 और 6। अब देखिए ये सारा हम बना लेंगे, थोड़ा सा टाइट करके बनाएंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल अटैच हो जाए।
देखिए अब हमने देखिए इस डिज़ाइन का हिसाब लगाना है कि हमने सात सात फंदे तो हमारे फट्टी के हैं, सात फंदे हम फट्टी के रखेंगे, दो चार छः और सात, सात फंदे फट्टी के रखने के बाद देखिए हमने एक फंदा यहाँ पे, सात फंदे फट्टी के रखेंगे हम, उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से दो चार छः सात, एक बार हमने सात छोड़ने हैं, फिर उसके बाद हम चौदह चौदह छोड़ेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन फिर बिल्कुल सेट आएगा। चौदह चौदह फंदे से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सात फंदे छोड़ेंगे, सात फट्टी के छोड़ेंगे। इस तरह से आप अपने जो भी फंदे हैं आपके पास, आप अपने फंदों को काउंट कर लें। चौदह के मल्टीपल से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। देखिए मेरे पास तीन फंदे कम हैं, यहाँ पे मेरे को हिसाब लगाने से मेरे पास यहाँ पे तीन फंदे कम पड़ते हैं, मैं तीन फंदे इस सिलाई में बढ़ा लूँगी। हमने एक उल्टी उल्टी सिलाई की दो सिलाइयाँ डालनी है ताकि हमारा एक लाइन और बन जाए, क्योंकि बाजू में भी हमने देखिए चार लाइन डाली थी, एक दो तीन, यहाँ पे हमारे तीन है, एक दो तीन चार, चार लाइन डाली हमने, हमने यहाँ पे भी एक लाइन और डालनी है उल्टा बनाते हुए। देखिए मेरे पास यहाँ पे 74 और प्लस 7 फंदे हैं इसके अंदर, अब मेरे पास 79 फंदे हो जाएंगे तो मेरा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर 79 जोड़। देखिए मैं यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टी बनाती जाऊँगी, दो सिलाई उल्टी बनानी है जिसके अंदर मैं तीन फंदे अपने बढ़ा लूँगी। इस तरह से हमने एक दो सिलाई हमने उल्टी उल्टी डालनी है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। देखिए जो तीन फंदे हमने बढ़ाने हैं, देखिए एक फंदा तो हम इसके सेंटर में बढ़ा देंगे और एक जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे और एक इस फ्रंट के पार्ट में, हम यहाँ पे इस तरह से तीन फंदों को बढ़ाना है, ना कि हमने एक ही जगह पर तीनों फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इस तरह से हमने अब इसका डिज़ाइन स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमने सात फंदे फट्टी के रख लेने हैं, पहले हम आठ फंदे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। देखिए आठ फंदे बना के चौदह चौदह फंदों के मल्टीपल से हमने इसका डिज़ाइन बनाना है। फिर हमने छः फंदे देखिए इस तरह से छोड़ने हैं, दो बिना बुने उतारेंगे, दो ग्रीन के बुनेंगे, फिर से दो बिना बुने उतारेंगे। देखिए चौदह फंदे हो गए हमारे, अब फिर से हमने आठ फंदे बनाने हैं। आठ फंदे हो गए, फिर हम दो बिना बुने उतारेंगे, दो ग्रीन के, फिर दो बिना बुने। देखिए सॉरी हम ना देखिए जिस कलर से हमने बाजू में स्टार्ट किया है वही कलर हमने यहाँ पे लगाएंगे। मैं गलत ग्रीन कलर लगा गई हूँ, रानी कलर लगा कर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने मैजेंटा कलर से ये सारा डिज़ाइन हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमने पूरे फंदों पे इस डिज़ाइन को हमने रखना है। अगर कोई एक आधा फंदा कम ज़्यादा होता तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। पहले काउंट कर लें, देखिए तीन छः सात फंदे हमारे फट्टी के, दो चार छः आठ फंदे हमारे जो हमने बनाने हैं। अब हमने देखिए अब हम लास्ट पे आ गए, यहाँ पे हमारे सात फंदे आ जाएंगे। देखिए छः फंदे देखिए अब हमारे फट्टी के फंदे हैं ये सात, ये हमारे सात फट्टी के फंदे हो जाएंगे। देखिए हमारे चौदह चौदह फंदों से हमारा ये डिज़ाइन सारा आ गया है, ये हमारे फट्टी के फंदे बना लेंगे। देखिए इस साइड हमने स्किन कलर को अलग से लगा लेना है
क्योंकि हमारा ये स्किन कलर यहीं पे छूट जाता है। स्किन कलर का एक गोला हम यहाँ पे लगाएंगे और फट्टी के फंदे बनाएंगे। बाकी सारा डिज़ाइन हमने उसी तरह से बनाते जाना है। देखिए इसकी जो हमने लंबाई करनी है, देखिए बाजू की हमने 6 डाली हैं तो हमारे पास ये इतना बनकर आ गया है। देखिए हम इसके अंदर 7 डिज़ाइन डाल लेंगे, हमने 7 डिज़ाइन इसके अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका कितनी लंबाई बनकर आती है। 7 डिज़ाइन डालकर आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए थे। देखिए उसके बाद हमने इसका ये नीचे बॉर्डर बना दिए थे उल्टी उल्टी सिलाई डालते हुए। इसकी 5 लाइनें बना ली हमने 10 सिलाइयों से। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और इसकी बाजू की हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। देखिए 1 से 1.5 साल के बच्चे के बड़े आराम से आएगी। देखिए अगर आप इसे छोटी बनाना चाहते हैं, अगर आप छोटे बेबी के लिए 0 से 6 मंथ के लिए अगर आपने इसको बनाना है तो आप ऊपर से 5 फंदे कम लगा लें। देखिए ये जितने भी ये हैं हमारे पास उस हिसाब से आप इसको कम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हैं, 8 हमारे पास डिज़ाइन है। 4 जोड़ कम कर लें, 4 जोड़ कम करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक एक फंदा हम इसको कम कर लेंगे तो बाकी हमारे पास इस हिसाब से आ जाएगी 0 से 6 मंथ के लिए। देखिए अगर आपने 2 साल के लिए बनानी है, ये तकरीबन 1.5 साल तक है, अगर आप इसको 2 साल के बेबी के लिए बनानी है आप इतना ही रखें। देखिए इतना रखने के बाद आप यहाँ पे 2 साल के बेबी के लिए हमने आपने गले के जो हमने ये लगाए हैं ये इतने ही रखने हैं। आपने उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई में बढ़ा लेने हैं, यहाँ पे 8 फंदे बढ़ा लेंगे हम। 8 फंदे बढ़ाने से देखिए हमारी जो चौड़ाई है इसको हम इतने ही रखेंगे, बाजू के अंदर हम ज़्यादा बढ़ा लेंगे। और इसकी जो हमने लेंथ करनी है, एक डिज़ाइन हम 2 साल के बेबी के लिए एक डिज़ाइन हम और ज़्यादा कर लेंगे, एक बाजू में ज़्यादा कर लेंगे। बाकी आप अपने बच्चे के हिसाब से देख सकते हैं मोटा है या पतला है। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से बैक से इस तरह से लगती हैं और बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हो गई हैं। इसके अभी बटन लगने वाले हैं, मेरे पास अभी इसी अवेलेबल नहीं थे। इस तरह से ये बनकर रेडी हो गई हैं। देखिए अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।